अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज मैं रेसिपी लाई हूँ आपके लिए, ज़बरदस्त कचौरी स्टाइल पराठा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलिशियस बनता है, क्रिस्पी। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये मैंने चार आलू लिए हैं, बॉईल करके इनको मैश कर लिया है। और ये दो दरमियाने प्याज लिए हैं मैंने, इनको बारीक काट लिया है। और ये हरी मिर्चें ली हैं, और ये हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया है। तो आइए अब चलते हैं रेसिपी की जानिब, रेसिपी बनाते हैं। ये हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, इस अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है, इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसको गर्म होने देंगे। इसमें अब हम प्याज डाल देते हैं। बस थोड़ा सा हमें इसका कलर चेंज करना है, प्याजों का लाल नहीं करना। तो साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया। हाफ टेबल स्पून इसमें अजवाइन डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे प्याजों के साथ, और थोड़ा सा भून भी जाएगा। फिर बारीक कटी हुई मिर्चें डाल देंगे, हरी मिर्चें। पराठे में बारीक कटी हुई मिर्चें डालेंगे, क्योंकि पराठा में तो फट जाएगा अगर मोटी हो गई तो, इसलिए बारीक काटिएगा। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन हमारी स्टफिंग को बाइंड करता है, हमारी स्टफिंग को बेसन बाइंडिंग लिप का काम करता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं। सौंफ 1/2 टीस्पून, धनिया जीरा 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम सोया सॉस थोड़ा सा डालेंगे, 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक टेबल स्पून या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद है, तीखा पसंद है या कम पसंद है, जितना आपको पसंद है नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टेस्ट करके देखती हूँ नमक कैसा है। हम्म,
बैटर बहुत मज़े का बन गया, थोड़ा स्पाइसी। अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं, कचौरी स्टाइल, आलू का पराठा। अच्छा, मैं धनिया डालना भूल गई थी, वो भी डाल दिया है। चलें अब पराठे बनाते हैं। अच्छा, अब कचौरी स्टाइल पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये मसाला रख देंगे। ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है रोटी में। अब इसको हम ठीक है, ये बन गया। अब हम इसको बेलते हैं। आज कचौरी स्टाइल पराठा तैयार है। मज़ेदार कचौरी स्टाइल आलू का पराठा तैयार है, बहुत ही यमी एंड टेस्टी बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आसान और इजी है और घर के हर फर्द की पसंद है। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपने इर्द गिर्द का भी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।